यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आखिरकार पुलिस विभाग जाग गया और डीजीपी के आदेश के बाद लगातार अवैध शराब पर सख्ती बरत रहा है। आए दिन जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में रादौर पुलिस ने गांव बापा से कच्ची शराब तैयार करते हुए एक व्यक्ति को करीब 30 लीटर लहान के साथ पकड़ा है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी जसबीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बापा में एक व्यक्ति कच्ची शराब बनाने का काम करता है। सूचना पर वो पहुंचे तो गांव के जगमीत सिंह ने अपने घर के आंगन में रखे एक ड्रम में कच्ची शराब का लहान तैयार कर रखा था। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके से 30 लीटर लहान व अन्य सामान बरामद किया है। जो हमारा एक अभियान चल रहा है डीजीपी साहब की तरफ से, जिसमें नशीले पदार्थ को पकड़ने के लिए, तो उसमें कल पकड़ा है जगमीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह गांव बापा से 30 लीटर लहान, जिसे ये शराब कच्ची शराब निकालने की तैयारी में था। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और फिर भी हम आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करते हैं कि कभी भी किसी का भी आपको पता लगता है कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो हमारे से संपर्क करें और सूचना दे हमारे को, हम उसका नाम गुप्त रखेंगे ताकि ये कोई मिस हैपनिंग ना हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यमुनानगर के कई गांव में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के बाद अब पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस द्वारा अवैध शराब का धंधा करने वालों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। पुलिस आम लोगों को भी इसी प्रकार के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी देने की अपील कर रही है। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।